हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्फेरिकल मिरर्स के एमसीक्यूज करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो रे ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स, कहाँ कैसे आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए, पासिस थ्रू इट्स फोकस, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और डी ऑप्शन, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ लिया था, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज मिरर्स, वन इज कॉनकेव मिरर, दिस वन इज कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ पासिस थ्रू फोकस। अगेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस। सो ऑप्शन इज रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन ए इज पासिस थ्रू इट्स फोकस। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो किससे पास करेगी? फोकस से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देन इमेज इज फॉर्म्ड। देखते हैं हम स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, ये पढ़ चुके हैं, एंड रे पासिस थ्रू फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दीज टू रेज इंटरसेक्ट हेयर, यहां पे स्टूडेंट्स क्या बनेगा? अब इमेज, यहां पे क्या बनेगा? इमेज। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो इमेज इज फॉर्म। स्टूडेंट कहां पे इमेज बना? बिहाइंड द मिरर? नो। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर? नो। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर? नो। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होगा स्टूडेंट, तो इमेज भी कहां पे बनेगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम अभी देख चुके हैं। सो इमेज कहां पे बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है? फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। और कह रहा है इमेज कहां पे बनेगी? ये देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा? फोकस पे। पैरेलल रे आई, पासिस थ्रू फोकस, और इमेज कहां पे बन रहा है स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी पे। कहां पे बन रहा है? इन्फिनिटी पे। सो यहां पे कहीं पे इन्फिनिटी पे इसका इमेज बन रहा है, एट इन्फिनिटी। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सो बिहाइंड द मिरर? नो स्टूडेंट्स, एट इन्फिनिटी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आई? बी ऑप्शन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो इमेज कहां पे बना स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी पे। ये देखिए इन्फिनिटी पे बन गया। सो नेक्स्ट इज गिवन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हम अभी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हो तो कौन सी बीम प्रोड्यूस होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन? पैरेलल बीम। सो ये आपने पहले भी हम एप्लीकेशन देख चुके हैं स्टूडेंट, ये बल्ब कहां पे पड़ा हुआ है? एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और ये इंसिडेंट लाइट है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स कौन सी लाइट प्रोड्यूस हुई? पैरेलल बीम। कौन सी लाइट प्रोड्यूस हुई? पैरेलल बीम। एंड दिस वन इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। किसका केस है स्टूडेंट? कॉनकेव मिरर का। सो गिवन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इन कॉनकेव मिरर साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन, कह रहा है कॉनकेव मिरर में इमेज का साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये कॉनकेव मिरर है, अब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। अब यहां पे स्टूडेंट क्या बनेगा? इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो इसका क्या बना स्टूडेंट? साइज क्या आया? रिड्यूस साइज। साइज क्या आया? रिड्यूस साइज। व्हेन ऑब्जेक्ट
इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो स्टूडेंट्स साइज ऑफ इमेज क्या आ रहा है, रिड्यूस्ड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। एंड स्टूडेंट्स अगर अब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में, कहां पे पड़ा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में, तो स्टूडेंट अब इमेज कहां पे बन रहा है, पीछे बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, बट साइज क्या बन रहा है स्टूडेंट, एनलार्ज, साइज क्या बन रहा है, एनलार्ज। सो कॉनकेव मिरर डिमिनिश साइज की इमेज भी प्रोड्यूस कर रहा है और एनलार्ज्ड साइज की इमेज भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर साइज रिड्यूस भी हो रहा है ऑब्जेक्ट का और साइज एनलार्ज भी हो रहा है। सो अब किसके ऊपर डिपेंड किया, डिस्टेंस के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन सुना अभी देखा हमने, तो साइज ऑफ इमेज क्या आया था, रिड्यूस्ड। और अब जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में बड़ा हुआ है तो साइज ऑफ इमेज क्या आ गया, एनलार्ज्ड। सो इमेज का साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है के पास है। सो इन कॉनकेव मिरर साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नो स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है तो रिड्यूस साइज, और अगर फोकस और पोल के बीच में है तो एनलार्ज साइज। ये देखिए स्टूडेंट्स, रिड्यूस साइज, अब ये क्या आ गया था, एनलार्ज साइज। सो दिस डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अभी हमने स्टूडेंट देखा इमेज, ये कौन सी इमेज है स्टूडेंट, वर्चुअल इमेज है और एनलार्ज इमेज है, वर्चुअल भी है और एनलार्ज भी है। अब वर्चुअल और एनलार्ज इमेज स्टूडेंट्स किस केस में बनेगी, कॉनकेव मिरर में, किस केस में बनेगी, कॉनकेव मिरर में। सो वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कॉनकेव मिरर। Now, if an object is placed 10 cm in front of a concave mirror of focal length 20 cm, the image will be, अब हम इमेज की नेचर देखते हैं, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट कहां पे बड़ा हुआ है, 10 cm in front of a concave mirror of focal length। Now student, अब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट इज placed between focus and pole, क्योंकि स्टूडेंट focal length क्या है इसकी, ये देखिए ध्यान से, फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 20 सेंटीमीटर। सो फोकस फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। इट मीन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ, फोकस और पोल के बीच में, और हमें भी ये केस कर चुके हैं, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में पड़ा हो तो स्टूडेंट्स इमेज की नेचर क्या है, एनलार्ज मैग्निफाइड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज। सो अब देखते हैं ऑप्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, 10 सेंटीमीटर स्टूडेंट मींस ये हमारी फोकल लेंथ है, ये हमारी फोकल लेंथ है, वो स्टूडेंट कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। इट मींस ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, बिटवीन फोकस एंड पोल। अब जब ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस एंड पोल के बीच में हो तो इमेज क्या बनेगी, एनलार्ज्ड इरेक्ट एंड मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज। सो देखते हैं स्टूडेंट, एनलार्ज्ड अपराइट एंड वर्चुअल इमेज, स्टूडेंट बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए पर्सन सीज हिज वर्चुअल इमेज बाय होल्डिंग अ मिरर वेरी क्लोज टू द फेस, When he moves a mirror away from his face, the image becomes inverted. What type of mirror he is using? A person sees his virtual image by holding a mirror very close to the face. Student, अब अभी देख चुके हैं कि अगर हम मिरर के बहुत पास खड़े हों, कॉनकेव मिरर के बहुत पास खड़े हों, तो स्टूडेंट कौन सी इमेज बन रही थी, वर्चुअल इमेज, कौन सी इमेज बन रही थी, वर्चुअल इमेज। और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर चले जाएं तो स्टूडेंट्स कौन सी इमेज बन रही थी, इनवर्टेड, कौन सी इमेज बन रही थी, इनवर्टेड इमेज बन रही थी। किस केस में, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेजेस भी बना रहा है, कॉनकेव मिरर रियल इमेजेस भी बना रहा है, कॉनकेव मिरर डिमिनिश्ड
साइज की इमेजेस भी बना रहा है और एनलार्ज साइज की इमेजेस भी बना रहा है. दिस डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो कॉनकेव मिरर, सो आंसर इज कॉनकेव मिरर, बिकॉज कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ मैग्निफाइड. हम अभी पढ़ चुके हैं मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. और अगर हम मिरर से दूर चले जाएं अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज का साइज क्या हो जाता था, रिड्यूस्ड, और इमेज की नेचर क्या हो जाती थी, इन्वर्टेड. किस केस में स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर में. सो आंसर इज कॉनकेव मिरर. साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेजेस प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है, डिमिनिश्ड इमेजेस प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, लार्जर. ये स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं भी पड़ा हो कॉन्वेक्स मिरर में, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं भी पड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट कौन सा इमेज बना, रिड्यूस साइज इमेज. कौन सा इमेज बना, रिड्यूस साइज इमेज. और क्या, कौन सा बना, वर्चुअल इमेज. कौन सा बना, वर्चुअल इमेज. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट आल्सो. सो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, अभी पढ़ चुके हैं. कौन सी इमेज बन रही है यहां पे, वर्चुअल इमेज. कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज. सो कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बना रहा है स्टूडेंट, वर्चुअल इमेज. कौन सी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ए कॉन्वेक्स मिरर यूज टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब स्टूडेंट में रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है. सो इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस कॉन्वेक्स मिरर में. सो स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर है, ये तो सीधी बात है, ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑलवेज इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल, डिमिनिश्ड इन साइज, इरेक्ट. अब ये स्टूडेंट देखते हैं हम, इमेजेस इज डिमिनिश्ड, ये तो स्टूडेंट ठीक हो गया. कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड इन साइज, इरेक्ट. स्टूडेंट ये भी हम पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी इमेज बन रही है, इरेक्ट. एंड इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये भी देख लीजिए स्टूडेंट, अभी देख लेते हैं ये इमेज कहां पे बन रही है स्टूडेंट, पोल और फोकस के बीच में. कहां पे बन रही है, पोल और फोकस के बीच में. अब ये भी स्टूडेंट ऑप्शन क्या हो गई, करेक्ट हो गई. इमेज इज रियल, नो स्टूडेंट. कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज. कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज. सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज. सो दिस वन ऑप्शन इज रॉन्ग. रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, आर बाय टू इज इक्वल टू, स्टूडेंट पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. क्या रिलेशन है, आर इज इक्वल टू टू एफ, और आर बाय टू क्या आ गया स्टूडेंट, एफ. सो आंसर इज फोकल लेंथ, आंसर इज फोकल लेंथ, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, कॉनकेव फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये भी स्टूडेंट अभी हमने देखा, आर इज इक्वल टू टू एफ एंड फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट, 20. सो आंसर इज 40 सेंटीमीटर, आंसर इज 40 सेंटीमीटर. ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन अ वर्चुअल भी हो स्टूडेंट और डिमिनिश्ड इन साइज भी हो. तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये देखिए स्टूडेंट केस, इस केस में कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश्ड इन साइज. ये साइज क्या है इसका, डिमिनिश्ड इन साइज है. और कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जब स्टूडेंट वर्चुअल इमेज बनती है तो उसका साइज क्या था, एनलार्ज साइज था. सो अब कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज, वो तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेजेस ही बनती हैं और साइज क्या होता है, रिड्यूस्ड. साइज क्या होता है, रिड्यूस्ड. सो ऑप्शन देखते हैं हम, ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन, डिमिनिश्ड भी हो और वर्चुअल भी हो. स्टूडेंट कौन सा आ गया, कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर आ गया, कॉन्वेक्स मिरर. हम देख चुके हैं फोकस लाइज बिहाइंड मिरर,
तो स्टूडेंट ये देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है स्टूडेंट वो कहाँ पे है? मिरर के पीछे. सो आंसर इज फोकस लाइज बिहाइंड मिरर इन, कौन सा मिरर है स्टूडेंट? कॉन्वेक्स मिरर. बिकॉज कॉनकेव मिरर में फोकस क्या बनता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर. और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर. ए बॉय स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट. सो स्टूडेंट यूज इक्वल टू कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर. ही सीज इज इरेक्ट इमेज whose height is 1/5 of his real height. अब स्टूडेंट इरेक्ट इमेज भी है लेकिन साइज क्या हो गया, मैग्निफिकेशन क्या होगी स्टूडेंट? 1/5. इसका मतलब साइज रिड्यूस हो गया. अब स्टूडेंट साइज रिड्यूस हो गया है और कौन सी इमेज बन रही है? इरेक्ट इमेज बन रही है. तो स्टूडेंट इरेक्ट भी होगी और साइज रिड्यूस भी होगा. तो स्टूडेंट ये कौन सा केस आ गया? कॉन्वेक्स मिरर का. कौन सा केस आ गया? कॉन्वेक्स मिरर का. क्योंकि जब कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है तो वो मैग्निफाइड इमेज बनती है. कौन सी इमेज बनती है? मैग्निफाइड इमेज बनती है. रिड्यूस्ड इन साइज इमेज नहीं बनती. वर्चुअल इमेज एंड रिड्यूस्ड इन साइज इमेज किस केस में बनती है स्टूडेंट? कॉन्वेक्स मिरर में. किस केस में बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में. सो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया अब आपका? कॉन्वेक्स मिरर. बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है? डिमिनिश्ड इमेज बन रही है. यहां पे क्या बन रही है? डिमिनिश्ड इमेज बन रही है और वर्चुअल भी और इरेक्ट भी बन रही है. तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज किसमें बनेगी स्टूडेंट? कॉन्वेक्स मिरर में. किसमें बनेगी? कॉन्वेक्स मिरर में. विच द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज. कह रहा है कौन सा वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता? प्लेन मिरर. स्टूडेंट ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं. प्लेन मिरर ऑलवेज कौन सा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज. फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट ये क्या होगा? ये इसकी इमेज बनेगी मिरर के पीछे. ये कौन सा केस है स्टूडेंट? प्लेन मिरर का. सो प्लेन मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज. कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट ये तो हम पढ़ ही चुके हैं. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज कौन सी इमेजेस बना रहा है? वर्चुअल इमेजेस. कौन सी इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेजेस. ये भी हो गया स्टूडेंट. अब आ गया कॉनकेव मिरर. अब स्टूडेंट कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में हो. जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो कॉनकेव मिरर एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बनाएगा. सो इस केस में क्या आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज. सो तीनों केसेस में वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो रही है लेकिन प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज. कॉनकेव मिरर कैन बी प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज बट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल. सो आंसर इज डी. ऑल द अबव कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम ए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर. सो स्टूडेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गई स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर. प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम ए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर. यू क्या आ गया स्टूडेंट? -1 मीटर और -100 सेंटीमीटर. क्योंकि हाइट किस में है? सेंटीमीटर में. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें किस में लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर में. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर. स्टूडेंट सब में माइनस क्यों आया ये? बिकॉज जब हम डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ मिरर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो साइन कन्वेंशन क्या थी स्टूडेंट? हमने कौन सा साइन लेना था? नेगेटिव साइन. और जब कोई भी डिस्टेंसेस हम राइट हैंड साइड लेंगे मतलब बिहाइंड द मिरर लेंगे तो स्टूडेंट क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन. अपराइट होगी तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव. नाउ फॉर्मूला इज, मिरर फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F. एंड स्टूडेंट यू हम पढ़ चुके हैं. यू क्या है हमारा? यू क्या था अभी हमने देखा? 1 मीटर. कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? कितना स्टूडेंट? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. सो ये हमने यू की वैल्यू यहां पुट कर दी -100 सेंटीमीटर. एंड फोकल लेंथ स्टूडेंट कितनी थी? ये रही फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट की है स्टूडेंट आर इज इक्वल टू 2F. आर इज इक्वल टू 2F एंड F इज R/2
एंड आर कितना स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर, 20/2 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ की कौन सी लेनी है, माइनस साइन, कौन सी लेनी है माइनस साइन, बिकॉज फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर कहां था स्टूडेंट, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इन फ्रंट मतलब माइनस साइन, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, सो एफ इज -1/10। सो ये स्टूडेंट 1/100 इस साइड आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो 1/V इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/100, 100 LCM। नाउ यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट, -10, यहां पे क्या आ गया +1, क्या आंसर आ गया -9/100। सो 1/V इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, -9/100, और V कितना आ गया स्टूडेंट, -100/9। सो मैग्निफिकेशन क्या है, वी ओवर यू माइनस एच आई ओवर एच नोट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वी आया हमारा -100/9, यहां से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी वी की, और स्टूडेंट यू हमें पता ही है क्वेश्चन में गिवन है -100 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ इमेज स्टूडेंट हमें निकालनी है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये देखिए हमें साइज ऑफ इमेज दिया हुआ है, कितना साइज है, सॉरी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना साइज है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर पुट कर दिया। तो स्टूडेंट ये 5 उधर चला जाएगा, ये 100 के साथ 100 कट जाएगा, क्या आंसर आ गया -5/9, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा -0.55 सेंटीमीटर, सो आंसर इज 0.55 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, और फिर से कॉनकेव मिरर आ गया स्टूडेंट, फोकल लेंथ नेगेटिव में आ गई -50 सेंटीमीटर, वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो डैट इमेज इज 2 टाइम्स, स्टूडेंट मैग्निफिकेशन कितनी आ गई 2x, इसका मतलब v ओवर u इज इक्वल टू -HI/H0, एंड हाइट ऑफ इमेज क्या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से 2x है, सो यहां पे हमारे पास v ओवर u का रिलेशन आ गया, v ओवर u इज इक्वल टू -2। ये आगे देखते हैं हम, ये स्टूडेंट v ओवर u -HI/H0, v ओवर u हाइट ऑफ इमेज कितनी है 2x द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वी ये माइनस माइनस कैंसल, वी इज इक्वल टू 2u, सो मिरर फार्मूला 1/V, 1/U, 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F, एंड पुट द वैल्यू ऑफ वी, वी इज इक्वल टू 1/2u, यहां पे पुट कर दो स्टूडेंट, सो 1/F इज इक्वल टू 1/2u, ये 1/U एंड 1/F, स्टूडेंट F कितना स्टूडेंट 50 सेंटीमीटर, F कितना है 50 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर है तो F की वैल्यू क्या होगी -50, सो स्टूडेंट यहाँ F की वैल्यू पुट कर दी, सो इसको सॉल्व किया स्टूडेंट कितना आ गया 3/2u -1/50, और u स्टूडेंट कितना आ जाएगा -75, सो ऑप्शन इज ए। इन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 7.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले स्टूडेंट फोकल लेंथ ही निकाल लेते हैं, आर आ गया स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 25, और स्टूडेंट एफ कितना आ गया 25/2 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट, अब कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां पे होता था बिहाइंड द मिरर, अब यहां पे फोकल लेंथ का साइज क्या लेना है स्टूडेंट पॉजिटिव, क्या लेना है पॉजिटिव, एंड यू ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज स्टूडेंट कहां पे होगा बिहाइंड द मिरर, तो यू का आ गया -40 सेंटीमीटर, ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या आ गया यू -40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है साइज ऑफ इमेज निकालो, अगेन मिरर फार्मूला 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F, 1/V स्टूडेंट यू ऑलवेज नेगेटिव, यू कितना है 40 सेंटीमीटर, -40, एंड एफ स्टूडेंट कितना आता हमने अभी निकाला 25/2, ये पुट किया था यहां पे 2/25 आ जाएगा 1/F, क्योंकि अगर एफ 25/2 है तो 1/F कितना आ गया 2/25, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, और मैंने कहा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां पे बनता है स्टूडेंट, फोकस बनता है कहां पे बनता है स्टूडेंट राइट हैंड साइड में बिहाइंड द मिरर, सो साइन इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ साइन इज पॉजिटिव, सो इसको उधर ले जाओ स्टूडेंट, सो 1/40 + 2/25,
उसका एलसीएम लिया 200 स्टूडेंट एंड 200 डिवाइड बाय 40 कितना आ गया 5 एंड 200 डिवाइड बाय 15 8 8 इंटू 2 16 21 बाय 200 सो दिस इज द वैल्यू 1 ओवर वी सो वी इज इक्वल टू 200 ओवर 21 सो इमेज डिस्टेंस हमें पता चल गया स्टूडेंट 200 ओवर 21 सो मैग्निफिकेशन इज वी ओवर यू माइनस एच आई ओवर एच नॉट सो वी हमें पता स्टूडेंट 21 ओवर 200 ओवर 21 वो यहां से आया और ऑब्जेक्ट हाइट ये स्टूडेंट हमें गिवन है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है स्टूडेंट यू स्टूडेंट हमने यहां से निकाला हुआ यू दिया हुआ हमें माइनस 40 यू हमें दिया हुआ था माइनस 40 ये यहां पे पुट किया माइनस 40 हाइट ऑफ हमें निकालनी है एंड स्टूडेंट ये हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना हाइट है स्टूडेंट 7.5 यहां से हम हाइट ऑफ हमें निकाल लेंगे ये आंसर आ जाएगा आपका 1.78 सेंटीमीटर बाय सॉल्विंग दिस आंसर इज 1.78 सेंटीमीटर सो फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फार स्टूडेंट ये पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स मिरर में जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है स्टूडेंट बहुत लार्ज होता है क्योंकि वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा भी हो तो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज कौन सी इमेज प्रोड्यूस करता है डिमिनिश्ड इमेज ये देखिए स्टूडेंट ये हम पढ़ चुके हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर में पीछे फील्ड ऑफ व्यू क्या स्टूडेंट बहुत ज्यादा लेकिन कॉन्वेक्स मिरर लार्ज फील्ड ऑफ व्यू को एक छोटे से मिरर में उसकी इमेज बना रहा है सो कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड वेयर लार्ज फील्ड ऑफ व्यू इज यूज्ड सो नेक्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर अब फिर से स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर आ गया फोकल लेंथ कितनी है प्लस कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ का साइन का लेना प्लस बिकॉज फोकस इज बिहाइंड द मिरर एंड इज ए क्वार्टर ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अब स्टूडेंट हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई 1/4 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब कह रहे क्या निकालो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सो हमें यह पता चल गया एच आई एम इज इक्वल टू V over U, HI over H naught, V over U, HI over H naught स्टूडेंट कितना है यहां से HI over H naught निकल आएगा वो कितना आ गया 1/4 यहां पे 1/4 पुट कर दिया और निकालना क्या स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U निकालना है सो V की वैल्यू निकाल लो V क्या आ गया U by 4, V कितना आ गया U by 4 यहां पे माइनस साइन भी स्टूडेंट लगाना था तो v इज इक्वल टू माइनस यू बाय 4 ये हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1 ओवर v प्लस 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर f एंड इफ v इज इक्वल टू माइनस यू बाय 4 देन 1 ओवर v इज इक्वल टू माइनस 4 बाय u तो यहां पे वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट 1 ओवर v की माइनस 4 ओवर u प्लस 1 ओवर u इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट फोकल लेंथ है 30 कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए साइन कौन सा लेना है पॉजिटिव सो ऑन सॉल्विंग हम यहां से अब u कैलकुलेट कर लेंगे सो u इज कॉमन माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर 30 दिस 30 गोज हेयर u गोज हेयर एंड u इज इक्वल टू माइनस 90 सेंटीमीटर सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आगा स्टूडेंट 90 सेंटीमीटर While using an electric bulb, the reflection for street lighting should be from. स्टूडेंट अभी देखते हैं हम सो हमें पता है convex mirror स्टूडेंट ये कौन सा मिरर है convex mirror है convex mirror में light क्या कर रही है स्टूडेंट diverge कर रही है So to make the light diverging as much as possible, हम कौन सा mirror use करते हैं convex mirror. कौन सा mirror use करते हैं convex mirror. Because concave mirror is a converging mirror and convex mirror is a diverging mirror. So to diverge the light, student अब यहाँ पे क्या हो रहा है roads के ऊपर light क्या हो रही है diverge हो रही है फैल रही है So to diverging the light, we use convex mirror. So while using an electric bulb, the reflection for street lighting should be from कहाँ से लेंगे हम student कॉन्वेक्स मिरर से कहां से लेंगे कॉन्वेक्स मिरर से नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर अब स्टूडेंट यू कितना आ गया आपका माइनस 40 एंड फोकल लेंथ कितना है कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट क्या आना है माइनस 20 कह रहा है इमेज फॉर्म्ड इज यू माइनस 40 है और F आ गया हमारा माइनस 20 सेंटीमीटर
तो स्टूडेंट जी आर कितना आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2f, 2 इंटू 20 माइनस 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज माइनस 40 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 40 सेंटीमीटर है, इट मींस जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे पड़ा हुआ है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और हमें पता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हो तो इमेज भी कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। ये स्टूडेंट कहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये इसकी इमेज बन गई, इमेज भी कहां बनी स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये आपको मैं कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूं। सो स्टूडेंट यूज इक्वल टू माइनस 40 है और एफ इज इक्वल टू माइनस 1/20 है। तो स्टूडेंट फॉर्मूले से भी देखते हैं, इमेज क्या मिरर फार्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सो 1/u माइनस 40 बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। v निकालना है स्टूडेंट हमने, एंड फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट, माइनस 20 सेंटीमीटर बिकॉज कॉनकेव मिरर है। स्टूडेंट 1/v कितना आ गया, 1/40, ये उधर चला जाएगा, उधर जाके प्लस हो गया, माइनस 1/20, और ये 40 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 2, एंड v कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस 40/1 इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर। सो u भी माइनस 40 था और v भी कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस 40 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्या करके स्टूडेंट, कोइंसाइड करके। सो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हो तो इमेज भी कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। अब स्टूडेंट कौन सी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड, कौन सी बन रही है, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज। साइज क्या आ गया स्टूडेंट, सेम इन साइज। यहां भी देख लेते हैं हम जो पढ़ चुके हैं मैग्निफिकेशन, इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं स्टूडेंट, v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v कितना था, माइनस 40, u भी कितना स्टूडेंट, माइनस 40, एंड हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई स्टूडेंट, माइनस h नॉट, ये कट गए, ये माइनस माइनस भी कट गए, और ये h नॉट उधर चला गया, ये माइनस इधर चला गया, h i क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस h नॉट। इट मींस इन्वर्टेड इमेज, इट मींस इन्वर्टेड इमेज। एंड मैग्निफिकेशन क्या आई स्टूडेंट, वन, यहां पे मैग्निफिकेशन क्या आई स्टूडेंट, वन। सो मैग्निफिकेशन वन मींस सेम साइज। सो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होगा कॉनकेव मिरर पे तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल, रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट अभी पढ़ चुके हैं ये, अगर कह रहा मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। स्टूडेंट अभी देखा हमने जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ था तो इमेज भी कहां बनना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या आ गया, जीरो, क्या आ गया, जीरो। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, स्टूडेंट ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज है, तो क्या आंसर है, जीरो। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर इज जीरो बिकॉज बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, अब स्टूडेंट इन सारी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन गलत है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन वन। ये तो बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज कौन सी इमेजेस प्रोड्यूस करता था स्टूडेंट, डिमिनिश्ड इमेज। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज प्रोड्यूस करता था, ठीक है। वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता था स्टूडेंट, ये भी ठीक है, मिरर के पीछे बनती थी। इरेक्ट इमेज सीधी इमेज प्रोड्यूस करता था स्टूडेंट, यस ये भी ठीक है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड, स्टूडेंट ये वही केस आ गया, कौन सा केस आ गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो कॉनकेव मिरर कौन सी में बनाता था, मैग्निफाइड, और मिरर के पीछे बनती थी वर्चुअल, और सीधी इरेक्ट इमेज बनती थी, ये भी स्टूडेंट ठीक हो गया।
अब कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में ये पहला पॉइंट स्टूडेंट आपका गलत आ गया, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज कौन सी इमेज में आता है, वर्चुअल, सो डी ऑप्शन, यहां पे कौन सी ऑप्शन होगी गलत, डी ऑप्शन। ए कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ एफ, ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एफ इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम द पोल प्रोड्यूसेस एन इमेज एट, स्टूडेंट अभी यहां पे फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ क्या दी हुई है एफ, अब कौन सा मिरर है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, मैंने इसको एफ ले लिया प्लस एफ, लेकिन यू ऑलवेज क्या होगा माइनस, माइनस एफ। मिरर फार्मूला क्या है, वन ओवर वी प्लस वन ओवर यू इज इक्वल टू वन ओवर एफ, वन ओवर वी प्लस माइनस एफ, वन ओवर एफ स्टूडेंट उधर चला जाएगा, वन ओवर एफ प्लस वन ओवर एफ कितना आ गया स्टूडेंट, टू ओवर एफ, सो वन ओवर वी इज इक्वल टू टू ओवर एफ, तो वी कितना आ गया f बाय टू, तो आंसर इज f बाय टू, इमेज कहां पे बनेगी f बाय टू पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग conditions विल ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, फिर से स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर आ गया फोकल लेंथ f produces an image, अब कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज प्रोड्यूस करता है वो तो हमें बताइए, वर्चुअल diminished एंड इरेक्ट, ये क्या है ऑलवेज, ये क्या है ऑलवेज, ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट diminished एंड वर्चुअल इमेजेस बनाता है, इसमें कोई केस नहीं है, कॉनकेव मिरर में केस था, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज तब बनती थी जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, बट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेजेस। Now, a point object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror. अब student, convex mirror आ गया, u आ गया आपका minus 30 centimeter. ये आ गया u minus 30 centimeter और student convex mirror है, convex mirror में focal length का sign का लेना है, plus f is equal to plus 30 centimeter. So mirror formula क्या है student? 1 over f is equal to 1 over v plus 1 over u. अब 1 over f कितना है 30, vm ने निकालना है, एंड स्टूडेंट u कितना है माइनस 30, तो स्टूडेंट ये इधर चला जाएगा 1 over 30 प्लस 1 over 30 इज इक्वल टू 1 over v, सो 1 over v कितना आ गया स्टूडेंट 2 by 30, एंड v कितना आ गया स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर। अब साइन कौन सा है स्टूडेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कौन सी इमेज बनी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। सो फॉर रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज, अब स्टूडेंट ने पता है ये तो सीधा ही है, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर्स ऑलवेज कौन सी इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं वर्चुअल इमेज, अब कौन सा है जो रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, सो कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। कन्वर्जिंग ऑफ ए कॉनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज बाय डिपिंग इन, स्टूडेंट याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस और मिरर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो लेंस है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सराउंडिंग मीडियम क्या है, वो वाटर में है एयर में है कौन से मीडियम में है, लेंस कौन से मीडियम में बड़ा हुआ है, बट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम एट विच इट इज प्लेस्ड, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि मिरर्स कौन से मीडियम में हमने रखे हुए हैं। सो कन्वर्जेंस ऑफ कॉनकेव मिरर, कन्वर्जेंस मीन्स पावर, पावर और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, सो कन्वर्जेंस ऑफ कॉनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज बाय डिपिंग इन None of these, student उसकी convergence और power क्या है independent of medium for mirror, student mirror की focal length और power medium के ऊपर depend नहीं कर करती, so एक concave mirror की जो focal length एक बार fix हो गई तो student वो fix ही रहेगी, चाहे वो mirror हम water में लेके जाएं चाहे वो mirror air में हो, so convergence of concave mirror cannot be decreased by dipping in वाटर ऑयल और एटसेट्रा, सो हम पावर और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की चेंज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इज इमर्स्ड इन वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन वाटर विल बी, स्टूडेंट हम भी अभी पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। मिरर की फोकल लेंथ कभी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज रहेगी। अगर एयर में फोकल लेंथ स्टूडेंट एफ है, एयर में एफ है, तो स्टूडेंट वाटर में भी क्या होगी, एफ ही होगी। सो बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम इट विच इट इज प्लेस्ड। सो नेक्स्ट स्टूडेंट अब टॉपिक आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बट ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।